तो आज से मैंने ये सोचा है कि मैं वीडियोस बनाऊंगा और इस तरह बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि किसी की भी प्राइवेसी जो है वो हट ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी क्या बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। तो अभी बज चुके हैं तकरीबन शाम के 5 और मेरे पीछे आ गया रक्षा। तो अभी हम जाने लगे हैं गाँव, तो मुदम्मल भाई के साथ गाँव से हमने दूध लेने जाना है। तो अभी मुदम्मल जो है वो बाइक निकाल रहा है, अभी चलते हैं गाँव दूध लेने जाते हैं। ये बोतल है, इसमें दूध लेके आना है। गांव से दूध लेके तो हम आ गए, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि गांव नहीं दिखाया, दूध कहाँ से लिया है। तो गांव गए थे, तो वहाँ पे हमारे जहाँ से दूध लेते हैं वो हमारे चाचू का घर है, तो वहां से दूध लेते। तो चाचू जो है, आपने मेरे शायद पिछली वीडियोस में देखा होगा कि वहां बैठ के हम आग सेक रहे होते हैं, तो चाचू भी आग सेक रहे थे, तो हम भी सेकने लग पड़े। तो फिर अंधेरा भी हो गया था, तो वैसे भी मैंने वहां पे वीडियो बनाई नहीं ताकि किसी की जो प्राइवेसी है वो हट ना हो। तो आज से मैंने ये सोचा है कि मैं वीडियोस बनाऊंगा और इस तरह बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि किसी की भी प्राइवेसी जो है हटना हो और ब्लॉग्स भी बनते रहे। तो इसी सूरत में मैंने वहां पे ब्लॉगिंग की थी और वापसी पे अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया था, तो फिर हम आ गए वापस। लेकिन गांव जब गए थे तो चाचू के घर पड़े थे गन्ने, जो सारी सर्दियां वो तो गुजर गई, लेकिन आखिर में आते आते ना उन्होंने गन्ने जो है वो हमें दे दिए। तो ये वाला गन्ना है, तो हमारे जो वहां पे हमारा जो था ना खेत कमाद लगा हुआ था, तो उसके जो गन्ने थे तो वो उन्होंने कोई और क्वालिटी के लगाए हुए हैं, ये क्वालिटी कहने या कोई और किस्म के गन्ने वो लगाए हुए थे। तो ये था थोड़ा सा मोटा गन्ना और देखने में भी खूबसूरत लग रहा था, तो चाचू ने कह रहा है अच्छे गन्ने ले जाओ, तो ये गन्ने मैं लेके आ गया। तो अभी बैठ के तो देखते हैं यहाँ पे गन्ने वगैरह ये चूसते हैं। सर्दियां जो है ना तो वो इन गन्नों के बगैर नाकाफी होती हैं, जो ये भी एक सर्दियों का तोहफा है। गन्ने तो बड़े अच्छे लगते हैं, खासतौर पर जब धूप निकली हो, धूप में बैठ के ये गन्ना बंदा चूसे तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी मेरे चाचू बता रहे थे कि जब ज्यादा सर्दी हो तब गन्ना चूसने का मजा आता है, पता नहीं मुझे क्या ताकत है। लेकिन तो अभी आज ये गन्ना है, अभी छीलते हैं इसे, छिलका उतार के तो अभी इसे चूसते हैं। जब हम गाँव गए थे तो सर्दी काफी दरमियानी थी, कम थी, तो जब वापसी आए तो काफी ज्यादा बढ़ गई सर्दी। तो अभी सर्दी काफी ज्यादा है, तो अभी ये हीटर जलाते हैं, हीटर जला के तो उसके सामने बैठ के गन्ने चूसते हैं, तो मजा आएगा हीटर के सामने। धूप धूप के सुबह निकलेंगे तो सुबह देखेंगे। ये पड़ा है हीटर, इधर उठा लेते हैं या उससे पाइप भी निकाल लेते हैं इसके बाहर जो है ऑन हो गया हीटर, तो अभी ऑन हो गया। तो अभी यहाँ पे बैठ के मैं आग भी सेक लूँ, तो गन्ना भी चूसना है, तो उसके लिए अभी यहाँ पे चूस नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे छिलके वगैरह फेंकने के लिए जगह नहीं है। तो वो पहले वो बाल्टी वगैरह ढूंढता हूँ कैसे लेके आता हूँ, फिर गन्ना भी चूसते हैं बैठ के यहाँ पे। बाल्टी तो मिली नहीं है, टब मिल गया अब। तो अभी सारा सेटअप है वो मुकम्मल हो गया, हीटर भी चल रहा है और टब भी आ गया। तो अभी गन्ना चेक करते हैं, गन्ना मीठा है कि फीका है। गन्नों के साथ जो दांत है ना उनका भी पता चलता है कि कमजोर है कि ठीक है। खास तौर पे हमारे जो खेत है ना उनके गन्नों से ये थोड़े से नरम है, हमारे खेतों में जो लगे ना गन्ने वो बहुत ज्यादा सख्त हैं, इसलिए उन्हें कोई ज्यादा चुराता नहीं है। ये वाले गन्ने जो होते हैं लोग चुराते बहुत हैं इन्हें। खैर हम चुरा के नहीं ले गए, ये उनके खेत से ले गए, चुरा के नहीं ले गए। वैसे गन्ना जो है बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा मीठा, काफी पिछले साल पर मैंने गन्ना चूसा था कि नहीं चूसा, लेकिन बहुत ज्यादा मीठा भी गन्ना, बहुत ज्यादा। तो अभी मैंने गन्ने जो है चूस लिए हैं, तो एक गन्ना चूसने बैठा था तो मैंने 3 चूसे हैं, तो ये टब जो है भर चुका है। तो अभी इसे बाहर फेंकते हैं ये भी, और वहां पे मैंने गन्ने रखे हैं तो वो भी उठाते हैं यहाँ से। तो गन्ने चूसने की वजह से ना थोड़ी सी जो मुंह अंदर से जख्मी हो जाता है, तो वैसा फील हो रहा है कि अभी थोड़ा सा ना अंदर से एक जुबान जख्मी हुई है। तो कोई नहीं, गन्ने के लिए तो इतना तो करना पड़ता है। अभी मैं ये जो है टब अभी बाहर फेंक दूं जाके, पता नहीं कितने गन्ने लेके आया था, तो यही रह गए हैं बस। ये भी एक दिन की मार है। अभी तकरीबन 8:30 हो गए हैं, तो मैंने डिनर भी कर लिया है और अभी बाहर धूप पड़ गई है काफी ज्यादा, तो मैं दिल कर रहा है बाहर जाने का। तो अभी बाहर चलते हैं, धूप भी देखते हैं किस दिन पड़ी है कि नहीं, और अली की दुकान पे जाना है।
वहां पे जाते हैं। बाहर निकला था हूँ लेकिन धुंध तो कोई नहीं पड़ी हुई, लग तो मुझे ऐसे ही रहा था जैसे धुंध पड़ी हो, लेकिन धुंध कोई नहीं पड़ी हुई तो मुझे सामने नजर कुछ नहीं आ रहा, लाइट चल रही है इस वजह से, तो अभी मैं बंद करने लगा हूँ। अभी हम आ गए हैं जी पार्क में, तो पार्क में काफी सारा अंधेरा है, जो इसकी लाइट्स हैं वो भी ऑफ है, बिल्कुल गुप्त अंधेरा हुआ है। और मैं चार्जिंग वाली ये लाइट्स लेके आया था, लाइट लेके आया था तो इसकी चार्जिंग भी खत्म हो गई है, तो पता नहीं एंगल जो है मेरा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूँ कि नहीं तो अभी नहीं पता। तो सैफ और मुदम्मल भी साथ हैं, वो अभी अपनी कैलोरीज हैं वो बर्न कर रहे हैं, तो अभी सैफ भाई को कोई जोश चढ़ा है ज्यादा एक्सरसाइज करने का, तो वो भी कर रहे हैं। तो इधर हर तरफ तो अंधेरा, तो मैं आपको क्या दिखाऊं यहाँ पे, तो अभी घर चलते हैं। तो अभी मैं घर आ गया हूँ, तो बाहर गया था लेकिन जो मेरी बैटरी थी चार्जिंग वाली लाइट, तो उसकी जो बैटरी है वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से फिर मैं व्लॉग नहीं कर सका। तो अभी मैं पीछे बैठा अपना व्लॉग है वो एडिट कर रहा हूँ, तो अभी मैं बनाने लगा हूँ जो रीमेक वीडियो, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मुझे पता है कि ये व्लॉग छोटा सा तो व्लॉग है, पता नहीं आपको पसंद आया कि नहीं, अगर आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक लेना ही अल्लाह हाफिज़।